नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। हम अभी लेकर आए हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर जो नया अपडेट आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को एक निर्देश जारी किया है। आप लोग हमेशा पूछ रहे थे कि आरक्षित सीट कहाँ से पता चलेगा, आरक्षण की स्थिति क्या है। कुछ ऐसी भी चर्चा चल रही थी कि 300 पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का अस्तित्व खतरे में चला गया है, जो नगर निकाय या नगर परिषद में शामिल होने वाले हैं। उसके बाद आरक्षण की स्थिति क्या होगी, तो आपकी चिंता जायज थी। हालांकि मैं अगले वीडियो में बताया था कि आप कैसे अपना आरक्षित सीट देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा लोच है। उसमें लोचा यह है कि जो आरक्षित सीट को जो बताया जा रहा है, तो पदों में जो जिला परिषद मुखिया सरपंच ये सब का तो बता रहा है, लेकिन वार्ड और पंच पंच का जो आरक्षित सीट है उसके बारे में जानकारी नहीं दिया जा रहा है। तो उसी तरह की चिंता राज्य निर्वाचन आयोग की भी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर तब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं पंचायत चुनाव को लेकर। राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षित पदों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। इसके लिए समितियों को पत्र लिखा गया है और सभी जिला में चिट्ठी चली गई है। कहा गया है कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य प्रत्याशियों के नामांकन किस आरक्षित सीटों से होगी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। अगर यह जानकारी नहीं मिलेगी, जो अब तक जो स्थिति पैदा हो रही है कि लोग इधर उधर घूम रहे हैं कि मेरा जो क्षेत्र है किस आरक्षण कोटी में आता है, आरक्षित है कि नहीं है, तो उसकी जो अभी तक जानकारी नहीं है उसको सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है। कहा गया है कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा राज्य में नए निगमों का गठन की मंजूरी दी गई है। जो नए निगम के गठन हुए हैं उससे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। अगर कोई ग्राम पंचायत का कुछ हिस्सा चला गया नगर निगम में, तो उस पंचायत के आरक्षण की स्थिति क्या रहेगी, इस बारे में आपकी भी चिंता है और आयोग ने भी कहा है। हालांकि पंचायती राज विभाग ने कह दिया है कि आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2016 में जो आरक्षण था वही आरक्षण इस बार भी रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई नगर निगम इकाई में चला गया है कुछ हिस्सा, चाहे कोई पूरा पूरा के पूरा पंचायत ही गायब हो गया है, तो उस स्थिति में वहां की आरक्षण स्थिति क्या होगी। चाहे कुछ हिस्सा दूसरे पंचायत में अगर जुड़ा है तो आरक्षण की स्थिति क्या होगी, आरक्षण की स्थिति में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, यहीं पर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। कहा गया है कि सभी जो भी आरक्षण की जो सूची है उसको डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए ताकि लोग जान सके। और जिला जिला में चिट्ठी लिखा गया है निर्वाची पदाधिकारी को कि आप जो है आरक्षण की जो सूची है उसको सार्वजनिक कीजिए ताकि लोगों में कंफ्यूजन दूर हो सके, लोगों को सुविधा हो सके। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित आरक्षित पदों की सूची अभी जिला कार्यालय और आयोग में संरक्षित है। जो इस बार 2021 में जो अनुमोदन हुआ है आरक्षण सूची का, जो आरक्षण की सूची, अनुमोदित आरक्षण पदों की सूची और आरक्षण निर्वाचित क्षेत्रों की सूची, वह जो है जिला कार्यालय और आयोग के कार्यालय में संरक्षित है, ले उसको सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है। आयोग ने बताया कि पंचायत में पदों के आरक्षण की स्थिति डिजिटलाइजेशन कराया गया है उसका, और वो आवश्यक भी है, जिससे प्रत्याशियों के नामांकन पत्र की जांच, मतगणना और निर्वाचन प्रमाण पत्र और प्रपत्र 23 तैयार करने में सुविधा हो। जो सूची संरक्षित की गई है वो कार्यालय में पड़ा हुआ है, अगर उसको अगर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तो लोगों को पता नहीं रहेगा आखिर कैसे, किस कोटि से अगर कोई आरक्षित है तो कैसे कर पाएंगे। आप बता दिए हैं कि पिछले बार का जो आरक्षण स्थिति है वही आरक्षण रहेगा, लेकिन तो जब तक कोई लिखित आदेश नहीं हो तो लोग कैसे नामांकन कर पाएंगे।
यही मतलब राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश है, एक सुझाव दिया है कि आप उसको सार्वजनिक कर दें। आपको हम बता दें कि जो मुखिया का खास करके हॉट सीट है, क्या स्थिति है मुखिया का चुनाव का, बहुत लोगों का सवाल का जवाब मिल जाएगा इसमें। मुखिया में कुल बिहार में कुल पद हैं 8386, मतलब 8386, जिसमें महिला के लिए आरक्षित हैं 3772, और इसमें से अनुसूचित जाति के लिए 1388, जिसमें अनुसूचित जाति महिला के लिए 562। बहुत लोग पूछ रहे थे कि जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, चाहे आरक्षित सीट है कि नहीं है, तो पूरे बिहार में मुखिया का जो पद है अनुसूचित जनजाति के लिए 92 है, उसमें से 21 सीट अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है। वही पिछड़ा वर्ग के लिए 1441 मुखिया का पद है, जिसमें से 585 पद महिला के लिए आरक्षित है। तो बार बार जो आपका सवाल आ रहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है कि नहीं है, तो आपका इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, चुनाव की तिथियां तो नहीं आ रही है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का जो बार बार नया नया अपडेट आ रहा है, नए नए दिशा निर्देश आ रहे हैं, और उधर पंचायती राज विभाग के मंत्री भी बोले हैं कि हम लोकतंत्र में 1 घंटे की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा, चुनाव समय पर होगा। खैर, जो आएगा सामने मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। अब आपसे हम विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।